हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी पार्टी बदली है। ऐसा ही कुछ इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भी किया है। अशोक अरोड़ा ने इनेलो पार्टी को अलविदा कह दिया है और एक नई पारी शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। लेकिन वहीं 40 सालों से ज्यादा का इनेलो में सफर तय करने वाले अशोक अरोड़ा को इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने स्वार्थी बताया है। अब अभय चौटाला ने क्यों अशोक अरोड़ा को स्वार्थी कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ने वो वीडियो उनका देखा था, उसमें बारी बारी वो ये कह रहे थे कि आज मैं जो कुछ हूँ चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल की वजह से, तो आज कम से कम अशोक अरोड़ा जी को ये निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने तेरी इतनी बड़ी पहचान बना दी, अगर आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो उसके बाद तो चाहे वो मर्जी जो फैसला लेते हैं, लेकिन इस वक्त में जो फैसला उन्होंने लिया वो फैसला केवल स्वार्थ में लिया गया। वो फैसला कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए नहीं लिया गया, वो पार्टी के लिए नहीं लिया गया। अगर पार्टी के कुरुक्षेत्र के लोगों के हित से होते तो फिर अशोक अरोड़ा, हाँ ये ठीक है कि चुनाव हारना जीतना ये लोगों के हाथ में है, चुनाव हारना जीतना कोई किसी के वश की बात नहीं है। लोग जिसको चाहेंगे उसको विधानसभा में भेजेंगे, लोग जिसको चाहेंगे लोकसभा में भेजेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात कहकर पार्टी को छोड़ना जो है, आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो कि क्या इतनी बड़ी बात कह करके कोई पार्टी को छोड़ करके जाता है, तो फिर कहीं स्वार्थ है कि नहीं है। स्वार्थ में अगर पार्टी को छोड़ता है तो बड़ा विश्वासघात अपने साथ भी करता है बेईमानी और लोगों के साथ विश्वासघात करता है। इनेलो पार्टी में 40 साल से ज्यादा का सफर तय करने वाले इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा अब कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अरोड़ा ने ये भी साफ नहीं किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो किस दल में जाएंगे। 5 दिन पहले ही इनेलो को अलविदा कह चुके अरोड़ा ने अपने पत्ते उजागर नहीं किए हैं। हालांकि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ा हुआ है। अशोक अरोड़ा के पास बीजेपी और कांग्रेस दो विकल्प हैं। इनमें से वो किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। वही राजनीतिक गलियारों में अशोक अरोड़ा के अगले कदम पर भी सभी राजनेताओं की ये उत्सुकता बरकरार है। हर कोई जानना चाहता है कि सालों पुराना इनेलो का साथ छोड़कर आखिर अशोक अरोड़ा किस दल को अपना बनाएंगे। लेकिन अब अभय चौटाला ने अशोक अरोड़ा पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है। अशोक अरोड़ा ने इनेलो पार्टी तो छोड़ी ही है, लेकिन सालों पुराने चौटाला परिवार से रिश्ते भी कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा की अभय चौटाला के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, अब वो जानना दिलचस्प होगा।